गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्सेस। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी नाभिक जो है वो किससे मिलकर के बना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मॉडल के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जबकि हमारा प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, धनावेशित कण होता है। ठीक है, तो किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स वहां पर हैं। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उनका चार्ज सेम है तो वहां पर क्या होना चाहिए, कूलाम रिपल्सन फोर्स होना चाहिए, कूलाम प्रतिकर्षी बल होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, कूलाम रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, प्रतिकर्षी बल लगना चाहिए, जो कि क्या करेगा, इनको दूर दूर रखने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रोटॉन को दूर दूर करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत कम रेंज के अंदर प्रोटॉन एक साथ होते हैं। ठीक है, 10^-15 रेंज के अंदर प्रोटॉन बंधे होते हैं और न्यूक्लियस की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 10^17 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, तो डेंसिटी इतनी हाई डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की और इतनी सी रेंज के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, यानी सेम चार्ज के पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यहां पर कोई एक ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो कि इन प्रोटॉन्स को एक साथ बांधे हुए है और उसी फोर्स को क्या कहते हैं, नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये फोर्स इतना स्ट्रोंग है जो कि इतनी कम रेंज के अंदर सेम जो हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन है इनको क्या रखता है, बाउंड रखता है, इनको बांधे रखता है। ठीक है, तो यहां पर आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की और न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके मध्य या प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो बल है वो हमारा क्या कहलाता है, नाभिकीय बल और न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो नाभिकीय बलों के अगर हम गुणधर्मों के बारे में बात करें, ठीक है, नाभिकीय बलों की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है, जो कि न्यूक्लियॉन्स के मध्य लगता है। ठीक है, और ये फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि एक स्मॉल रेंज के अंदर 10^-15 रेंज के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये आकर्षण बल होता है। अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि कूलाम फोर्स की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्या माना जाता है, रिपल्सिव माना जाता है, वैसे ही न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। ये क्या करता है, न्यूक्लियॉन्स को अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की तरफ, जिसके कारण वो बंधे रहते हैं एक स्मॉल रेंज के अंदर। ठीक है,
तो नाभिकीय बल जो होता है वो आकर्षण बल होता है। और नेचर के अंदर पाए जाने वाले जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब के अंदर, और जो वीक फोर्सेस हमारे होते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होते हैं, सबसे स्ट्रोंग होते हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जो मूलभूत बल हैं उनमें सबसे स्ट्रोंग कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। इन्हें स्ट्रोंग फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रबलता है, स्ट्रोंगनेस जो है, उसको अगर 1 ले लें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रबलता कितनी होती है, 1/100 होती है, ठीक है। यानी ये 100 टाइम्स ज्यादा क्या होगा, स्ट्रोंग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारे कूलाम फोर्स है उनसे क्या होता है, ये कितना कितना टाइम्स रहेगा, 100 टाइम्स कितना रहता है, ज्यादा स्ट्रोंग रहता है, ठीक है। और जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स या हमारे जो वीक फोर्स होते हैं, वीक फोर्स से ये कितना रहता है, 10^-5 से लेके 10^-14 तक, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस से 10^-39 तक क्या रहता है, ज्यादा स्ट्रोंग रहता है, ठीक है। तो नाभिकीय बल जो होते हैं वो आकर्षण बल हैं और साथ ही बहुत ही प्रबल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी मूलभूत बलों से बलों में नाभिकीय बल सबसे अधिक प्रबल होते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अगर हम इनकी प्रबलता को 1 ले लें, यदि नाभिकीय बलों की प्रबलता 1 ले तो विद्युत चुंबकीय बलों की प्रबलता 1/100 तथा वीक फोर्सेस जो होते हैं, दुर्बल बलों की प्रबलता 10^-14 तथा गुरुत्वीय बलों की प्रबलता 10^-39 होती है, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे स्ट्रोंग फोर्स है। और जो गुरुत्वीय बल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे फोर्स है, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल जो है, इनकी जो स्ट्रोंगनेस होगी वो इतनी कम होती है इनसे, ठीक है। दूसरे हम बात करते हैं लघु परास, शॉर्ट रेंज नाभिकीय
नाभिकीय बलों की जो परास होती है, रेंज होती है, वो होती कम होती है। नाभिकीय फोर्स न्यूक्लियस की जो साइज है, ठीक है, ये जो फर्मीमीटर इसकी फेमटोमीटर की जो साइज होती है, फर्मी की जो साइज होती है, उसी साइज तक ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यानी इनकी जो रेंज है वो कितनी हो गई, 10^1 फर्मी फेमटोमीटर या 10^-15 मीटर इनकी रेंज है। ठीक है, 1.2 से 1.5 फर्मी तक क्या होती है इनकी रेंज होती है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, इतनी दूरियों तक ये बल कार्य करते हैं। ठीक है, इनके अलावा इस रेंज तक ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर हम बात करें अत्यंत लघु दूरियों की, बहुत कम रेंज, अप्रोक्सीमेट 0.5 फर्मी की, ठीक है, वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, प्रतिकर्षी होती है, रिपल्सिव होती है। ठीक है, यानी बहुत ही कम दूरी पर, बहुत कम दूरियों पर जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, रिपल्सिव होते हैं। 0.5 फर्मी की जो रेंज है उसके अंदर क्या रहेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स की एक क्रोड होती है इनके अंदर, और बाद में आगे की दूरियों पर ये क्या रहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। तो सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्स की, कि इनकी रेंज जो होती है वो शॉर्ट होती है। तो इसके अंदर आप लोग लिख लेना कि नाभिकीय बलों की जो परास है वो लघु होती है, और अगर हम अत्यंत लघु दूरी की बात करें 0.5 फर्मी के आसपास, तो क्या होती है कि ये जो होते हैं फोर्स रिपल्सिव होते हैं, और 1.2 से 1.5 फर्मी तक, इससे लेकर के यहां तक ये क्या रहते हैं, अट्रैक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, आवेश से स्वतंत्र। ठीक है, आवेश से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं वो क्या करते हैं, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते। यानी न्यूक्लियर फोर्स चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगे, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, सेम ही होता है। जहां पर हमारा प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि दो यहाँ पर जीरो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स वो भी सेम होता है। प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में एक पॉजिटिव है और एक पर जीरो चार्ज है, और एक हमारा यहाँ पर, दोनों पॉजिटिव है। चाहे ये हमारा फोर्स जो है वो किसी के बीच में भी लग रहा हो, सेम रहता है, यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल अगर लें, अगर 1H3 व 2HE3 का अगर एग्जांपल लें, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में क्या है, 1H3 के अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है, और दो क्या है, न्यूट्रॉन है, और हीलियम के अंदर यहां पर अपने पास में क्या होंगे, दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहां पर दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक प्रोटॉन और दो क्या है, न्यूट्रॉन है। हीलियम के अंदर यहां पर दो प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है। तो यहां पर कितने फोर्सेस हैं, यहां पर किस प्रकार से एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो दो तो अपने पास में क्या हो गए, एक तो NN फोर्स हो गया। ठीक है, दो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो एक तो हमारा NN के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स लगेगा, एक हमारा NP होगा, ठीक है, और एक भी NP होगा, यानी दो तो इस वाले न्यूट्रॉन का इसके साथ में, इस वाले न्यूट्रॉन का इसके साथ में,
और आपस में। तो यहाँ पर तीन टाइप की फोर्स हो गए, एक तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, हमारे दो प्रोटॉन हैं, तो दो तो अपने, एक तो अपना पीपी फोर्स हो गया और दो अपने क्या होंगे, पीएन फोर्स होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब जो ये फोर्स होते हैं इनके बीच में, अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी देखी जाए, ठीक है, 1H3 की और 2H3 की अगर बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं तो उनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर इनकी बाइंडिंग एनर्जी जो रहती है अप्रोक्सीमेट इक्वल रहती है। इनकी बाइंडिंग एनर्जी का मान 8.482 तथा 7.71 इस तरह से आता है। ठीक है, 1H3 और 2H3 की जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास में आती है वो अप्रोक्सीमेट इस रेंज में आती है। तो इनका जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होता, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इनका जो मान है बाइंडिंग एनर्जी का मान उसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है। ठीक है, 0.7 के आसपास इस तरह से कुछ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में इनका जो डिफरेंस आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी का वो बहुत कम आ रहा है, जबकि यहाँ पर फोर्सेस क्या है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स था, ठीक है, और दो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स थे, इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स है और दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन फोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस तो अलग अलग टाइप के लग रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहे हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहे हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं आता है। और ये डिफरेंस भी इसलिए आता है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या लगता है, प्रतिकर्षी बल लगता है, कूलाम रिपल्सन यहाँ पर लगता है। उस कूलाम रिपल्सन के कारण क्या होगा कि इनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर डिफरेंस आता है, क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में कूलाम प्रतिकर्षण बल जो है वो इस बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। तो ये डिफरेंस जो है वो इसके कारण आता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो नाभिकीय बल होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, वो चाहे प्रोटोन प्रोटोन के बीच में लगे या प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में लगे, सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्सेस की। इसी तरह से जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी अगर देखी जाए तो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आवेश स्वातंत्रता समिति जो होती है क्या होगी, इनके अंदर समिति होगी, चार्ज इंडिपेंडेंट होंगे ये, ठीक है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पिन डिपेंडेंसी, प्रचक्रण निर्भरता। स्पिन डिपेंडेंसी, न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियॉन्स की जो स्पिन होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की स्पिन के बारे में, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो क्या करते हैं, इनके स्पिन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रॉन का अगर एग्जाम्पल लें, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो, न्यूट्रॉन हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो स्पिन होती है वो पैरेलल होती है, समांतर होती है। ठीक है, अगर इसे एंटी पैरेलल ले लिया जाए, ठीक है, इसे प्रति समांतर अगर हम ले लेते हैं तो क्या होता है, फिर अगर न्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेशन की जाए तो उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटोन को एक साथ बांधे नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि डिपेंड करेगा कि जो पार्टिकल्स है उनकी स्पिन क्या है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर। जैसे यहाँ पर न्यूट्रॉन का एग्जांपल है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा 1s2 है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटोन के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है, अब वो क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तब जितना फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट उससे
डिफरेंट होगा अगर इन दोनों की स्पिन क्या होती, एंटी पैरेलल होती, प्रति समांतर होती, ठीक है। उस कंडीशन में ये न्यूट्रो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बंधे हो सकते थे अगर इनकी स्पिन जो है वो एंटी पैरेलल होती, ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो स्पिन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियर फोर्स की। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं इनके अंदर अकेंद्रीय घटक होते हैं बलों के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो ओनली सेंट्रल फोर्सेस से, केंद्रीय बलों से नहीं समझाए जा सकते। यहां पर क्या होता है, अकेंद्रीय बल भी मौजूद होते हैं जिन्हें हम टेंसर फोर्सेस कहते हैं। टेंसर फोर्सेस भी यहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये भी न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण का जो मान आता है, ठीक है, 0.8 के आसपास आता है ये, ठीक है। और अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अलग अलग लिया जाए, म्यू एन प्लस म्यू पी, ठीक है, तो इसका मान अपने पास में होता है माइनस का 1.931, ठीक है, और 9315, प्लस का 2.79271, ठीक है। यानी डिफरेंस तो यहां पर कम आता है 0.879, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इतना आ रहा है, और अगर म्यू एन प्लस म्यू पी का चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाए, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण देखा जाए, तो वो अपने पास में इतना आता है। तो ये जो डिफरेंट आता है, यानी यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 0.85 है और ये हमारा 0.87 है, वो क्या होगा, इन टेंसर बलों की उपस्थिति के कारण आता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय बलों के साथ में क्या होते हैं, अकेंद्रीय बलों के घटक भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसके लिए जो पोटेंशियल लिखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, वहां पर हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसका कर्व किस प्रकार आता है, वहां पर हम देखेंगे कि इसके अंदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों टाइप का हमारा क्या होगा, फोर्स होगा, ठीक है। तो इसके अलावा अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स है ये, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्पिन पर डिपेंड करता है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है नाभिकीय बलों की संतृप्तता, सेचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, नाभिकीय बलों की संतृप्तता से मतलब है कि यहां पर अपने पास में मान लो किसी न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो क्या है, ए है, ठीक है। यानी यहां पर टोटल जो न्यूक्लियॉन्स है वो कितने हैं, ए हैं, क्योंकि ए इक्वल्स टू क्या होता है, एन प्लस जेड होता है, ठीक है। तो टोटल अगर न्यूक्लियॉन्स हमारे पास में ए है तो क्या होगा, हर एक न्यूक्लियॉन दूसरे वाले न्यूक्लियॉन से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि हर एक न्यूक्लियॉन को उसके जितने भी बाकी के न्यूक्लियॉन्स है उनके कारण क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। जैसे मान लो हमारे पास में बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटोन है, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटोन इस तरह से है, ऐसे रेंडमली बना रहे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, तो हमने कोई एक न्यूक्लियॉन ले लिया, तो इस न्यूक्लियॉन पर क्या होगा, बाकी सारे न्यूक्लियॉन्स के कारण न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स अगर यहाँ पर लगेगा तो कितना आना चाहिए, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ए इंटू ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, क्योंकि इसके अलावा बाकियों के कारण क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है।
तो यहां से अपने पास में इतना इसके प्रोपोर्शनल आना चाहिए। लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हम देखते हैं कि B बाय A का मान, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी B बाय A का मान क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 वालों के लिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट क्या रहता है, ये कॉन्स्टेंट रहता है। जो बाइंडिंग एनर्जी का हमारा कर्व था कल जब हम पढ़ रहे थे बी बाय ए और ए के बीच में जो हमने ग्राफ देखा था वो क्या था, स्टार्टिंग में इस तरह से वो पीक वैल्यू हमें मिल रही थी, फिर उसके बाद में क्या होता है ये कर्व सेचुरेट हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या रहती है वैल्यू, कॉन्स्टेंट रहती है। बी बाय ए का मान लगभग कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो बी बाय ए कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है, बी प्रपोर्शनल टू ए, यानी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किसके प्रपोर्शनल है, ए के प्रपोर्शनल, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी तो है जिसे हमें न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको डीकम्पोज करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, यानी हम कह सकते हैं कि इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है वही तो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। अगर बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स होगा उनके बीच में, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है उतना ही क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर B प्रोपोर्शनल टू A है तो न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू A होगा। तो यहां से अपने पास में ए ए माइनस वन डिवाइडेड बाय टू नहीं आता है, ये प्रोपोर्शनल टू A आता है। इसका मतलब जो कोई भी न्यूक्लियोन है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो उसके पास वाले न्यूक्लियोन्स के कारण ज्यादा लगता है, और उसके जो दूर वाले न्यूक्लियोन्स होते हैं उनके कारण ये जो फोर्स होता है वो नगण्य होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। पास वाले जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके कारण न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो यहां से ये डिपेंड करता है किस पे, कि दूरियों पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, पास वालों के कारण क्या होगा ज्यादा लगता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि प्रभावी रूप से किसके कारण लग रहा होता है, इन पास वाले न्यूक्लियॉन्स के कारण, दूर वाले न्यूक्लियॉन्स के कारण नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है नाभिकीय बलों की संतृप्तता। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को लिखो, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है नाभिकीय बलों की संतृप्तता हो गया। अब आता है विनिमय व्यवहार। एक्सचेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। विनिमय व्यवहार के अंदर क्या आता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वहां पर जब न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो वहां पर क्या होता है किसी न किसी पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो फोर्स है वो एक्सचेंज प्रॉपर्टी है, इनकी विनिमय होता है इनके अंदर। जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, किसी पार्टिकल को ये इमिट या एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर उसके कारण क्या होगा, मोमेंटम का जो ट्रांसफर होगा उस मोमेंटम ट्रांसफर के कारण यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो इन्होंने न्यूट्रॉन यहाँ पर कोई पार्टिकल को इमिट करके अगर प्रोटॉन में चेंज होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है, तो मोमेंटम चेंज के कारण क्या लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से पार्टिकल होते हैं जिनका एक्सचेंज होता है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग युकावा की मेसोन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि युकावा की मेसोन थ्योरी क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज लिख लेना और इसकी थ्योरी
यहाँ पर जो नाभिकीय बलों की संयुक्तता है, प्रचक्रण निर्भरता है, ठीक है, विनिमय व्यवहार है, ये सारे इनके अंदर आप लोग इनको डिस्क्राइब कर देना कि इनकी डिपेंडेंसी होती है, नाभिकीय बलों की संयुक्तता के अंदर अपन ने जो पढ़ा था, ठीक है, और विनिमय व्यवहार होता है इनका, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग डिस्क्राइब कर देना इसे, ठीक है। एक बार इनको लिख लो, फिर हम रुकावा के मेसोन थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, मेसोन सिद्धांत जो था, मेसोन थ्योरी 1932 के अंदर हाइजेनबर्ग ने बताया कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के कारण, यानी यहाँ पर जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके प्रोटोन बन रहा है और प्रोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करके क्या करते हैं, न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है उनका क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। 1932 के अंदर हाइजेनबर्ग ने यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल था उसे इलेक्ट्रॉन को बताया था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज पार्टिकल मान करके न्यूक्लियर फोर्सेज की कैलकुलेशन की गई तो जो फोर्स आ रहा था वो 10^-14 टाइम्स क्या आ रहा था, वीकर आ रहा था, दुर्बल आ रहा था, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जितना होना चाहिए, जितना स्ट्रोंग होता है, उससे 10^-14 क्या था, ये दुर्बल था, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज के कारण नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि इसके कारण क्या आ रहा है, दुर्बल आ रहा है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल जो है, एक्सचेंज पार्टिकल जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसके बाद में 1935 के अंदर, ठीक है, 1935 के अंदर जो जापानी भौतिक विज्ञानी थे युकावा, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है वो पार्टिकल क्या है, पायोन्स, इसे पाई मेसोन कहा गया था, ठीक है, ये पार्टिकल पाई मेसोन है और ये पार्टिकल पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, यानी तीन प्रकार के यहाँ पर चार्जेस की फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और इनके बीच में इन पायोन्स के एक्सचेंज के कारण क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ठीक है। पायोन्स के एक्सचेंज के कारण यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर होता है जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स कार्य करते हैं, ठीक है। तो पायोन्स को लेकर के जब न्यूक्लियर फोर्स की कैलकुलेशन की गई तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो उसी ऑर्डर के आ रहे थे जितने न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, ठीक है, यानी इनकी स्ट्रांगनेस जो थी वो सही आ रही थी। इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो कौन सा है, पायोन है, ठीक है। और ये पायोन्स जो होते हैं, इन्हें मेसोन जब कहा गया था स्टार्टिंग में, पाई मेसोन इन्हें कहते हैं, वैसे इनका नाम जो होगा पायोन्स होता है, ठीक है, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है पायोन्स, इनका एक्सचेंज किस प्रकार होता है कि हमारे पास में मान लो कोई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, मेसोन सिद्धांत के अंदर क्या था कि जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो क्या है, पाई मेसोन है, और सबसे पहले हम पढ़े कि पाई प्लस का विनिमय, तो यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनमें से ये जो प्रोटॉन है वो क्या कर रहा है, पाई प्लस को उत्सर्जित कर रहा है, पाई प्लस को उत्सर्जित करके किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूट्रॉन,
तो इसे लिख सकते हैं एन प्लस पाई प्लस प्लस का एन। अब ये जो पास स्थित न्यूट्रॉन है वो क्या करता है, एन प्लस पाई प्लस एन, और ये चेंज होता है एन प्लस पी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इस पायोन के एक्सचेंज के कारण फोर्स लगता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें पाई माइनस के एक्सचेंज की, ठीक है, अगर पाई माइनस या पाई जीरो के एक्सचेंज की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर अपने पास में ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, जिस प्रकार यहां पर क्या था पाई प्लस का एक्सचेंज हो रहा था, वैसे ही क्या हो सकता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर अपने पास में पाई माइनस का एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा पाई माइनस को। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया, इस न्यूट्रॉन को हम पी प्लस पाई माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस का पी, फिर ये जो पास स्थित प्रोटॉन है इस पाई माइनस को एब्जॉर्ब करता है, तो ये हो जाएगा पी प्लस और ये पाई माइनस प्लस पी। ठीक है, तो ये इसे एब्जॉर्ब करके पी प्लस एन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन पाई मेसोन जो पार्टिकल्स हैं इनका एक्सचेंज। इसी प्रकार अगर हम बात करें पाई जीरो की, ठीक है, यहां पर जो पी था इसको हम क्या लिख रहे हैं, एन प्लस पाई प्लस, टोटल चार्ज का यहां पर प्लस है। ठीक है, तो ये इस पाई प्लस को इमिट करके क्या बना, न्यूट्रॉन, और यहां पर न्यूट्रॉन जो है वो इस पाई माइनस को इमिट करके क्या बना, प्रोटॉन। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम बात करें पाई जीरो के विनिमय की, पाई जीरो का अगर विनिमय होता है तो क्या होगा, एन प्लस एन, ये एन प्लस पाई जीरो, ठीक है, प्लस एन, फिर ये वाला न्यूट्रॉन इसे इमिट वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो एन, और ये हो जाएगा पाई जीरो प्लस एन, और ये चेंज हो जाएगा एन प्लस एन। ठीक है, इसी प्रकार यानी जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, वो पाई प्लस और पाई माइनस के एक्सचेंज के कारण है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो पाई जीरो के एक्सचेंज के कारण होगा। तो यहां पर आ जाएगा पी प्लस पी, पी प्लस पाई जीरो, यहां पर चार्ज पॉजिटिव है हमारा, ये पी है ही, प्लस का पी, वापस से दूसरा वाला जो प्रोटॉन है वो इसे एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पर बन जाएगा पी प्लस पी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है पायोन्स या फिर ये जो पाई मेसोन है इनके एक्सचेंज के कारण क्या लग रहे हैं, न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। ठीक है, और हम लोग इन पाई मेसोन के क्या वो मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन इंटरेक्शन को लिख लें, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो पाई मेसोन आ गया, और इन इस मेसोन थ्योरी से जो लघु दूरियों पर प्रतिकर्षी बल कार्य करता है उसको भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन ना होकर के क्या है, पायोन्स होता है। अगर पायोन्स के द्रव्यमान की कैलकुलेशन करें, ठीक है, मास अगर कैलकुलेट करें ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, हमारा जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट एच क्रॉस। ठीक है, डेल्टा ई और डेल्टा टी एनर्जी और टाइम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा, एच क्रॉस की कोटि का होगा, और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन सी, डिस्टेंस अपॉन यहां पर क्या होगी स्पीड। ठीक है, वेलोसिटी जो है लाइट वेलोसिटी, तो यहां पर ही अपना आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू आर अपॉन सी, और जो यहां पर अगर हम वैल्यू रखें
डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है, एमसी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वैल्यू रख दें एमसी स्क्वायर आर अपॉन सी अप्रोक्सीमेट या इक्वल टू मैच क्रॉस ले लें, तो एम का मान क्या आ जाएगा, एक सी कैंसिल, एच क्रॉस अपॉन आर सी। ठीक है, यहां पर अपने पास में पायोन्स का जो मास है एम इक्वल्स टू क्या आ गया, एच क्रॉस अपॉन आर सी आ गया। ठीक है, और यहां पर जो आर की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, न्यूक्लियस की जो रेंज है उसके इक्वल, ठीक है, फर्मीमीटर वो फेम्टोमीटर, और जो सी होगा वो क्या है, लाइट वेलोसिटी, और एच क्रॉस क्या है यहां पर, एच अपॉन टू पाई। ठीक है, या तो हम इसे एच अपॉन टू पाई आर सी इन सब की वैल्यूज रख करके, या फिर हम एच क्रॉस की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज जब हम रखते हैं तो यहां पर अपने पास में मान आता है ये हमारा 1.054 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू अगर हम 1.7 10 टू द पावर माइनस 15 और सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लेते हैं। ठीक है, तो पायोन्स का जो मास होता है वो हमारे पास में आता है अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 28 केजी, ये होता है 226 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज किया, एनर्जी और टाइम की जो अनसर्टेनिटी होगी उनका प्रोडक्ट जो है वो एच क्रॉस के इक्वल होगा, टाइम क्या होगा अपना आर अपॉन सी, न्यूक्लियस की जो रेंज है आर अपॉन सी हो जाएगा अपने पास में, डेल्टा ई का मान एमसी स्क्वायर होता है। ये सारी वैल्यूज हम रख देंगे और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो पायोन्स हैं उनका जो मास आता है वो कितना आता है, अप्रोक्सीमेटेड 226 टाइम्स ऑफ एम ई आता है। ठीक है, तो ये क्या थी, मेसोन थ्योरी थी, यानी जो एक्सचेंज पार्टिकल है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर, न्यूक्लियर फोर्स के अंदर एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है, पायोन होता है, ये पाई मेसोन होता है। ठीक है, तो और ये तीन तरीके से उपलब्ध होता है, पाई प्लस, पाई जीरो और पाई माइनस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ते हैं।